इतना खतरनाक रास्ता है, इस पर हम फोन लेकर जा रहे हैं, इस पर अक्सर सभी लोग गिरते हैं। अभी रोप रही है इधर, उधर भी रोपाई हो रहा है। मम्मी सुनाने लगी, धीरे से मेरे पास, एकदम धीरे से आओ, मलाई तुम खाओ। तो कैसा लग रहा है प्रियांशी? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज गांव में कुछ शोर हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, ये चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, अरे जो शंबर सेबल लगता है तो उसका सफाई होती है ना बोरिंग की, तो वही हो रहा है। हाँ, उसको ना कंप्रेसर होना है, तो समर सेबल बोरिंग हुआ है ना, तो उसका कंप्रेसर चल रहा है बगल वाले चाचा का समर सेबल लगा है, तो उसी का कंप्रेसर चल रहा है, साफ सफाई होगी, पानी साफ निकलेगा इससे। तो यहाँ पे पुलकित और प्रियांशी अमरूद खा रहे हैं और देख रहे हैं कंप्रेसर चलता हुआ, पूरा शोर मचा हुआ है पूरा गाँव में, जैसे भरा भरा पूरा गाँव हर जगह लग रहा है। तो आज हमको जाना है मार्केट में, मतलब कुछ ज़रूरी सामान लेना है। ज़रूरी सामान में क्या लेना है कि दवा लेना है, तो हम जा रहे हैं पापा के साथ। मार्केट से आ गए हैं दवा लेकर, तो पापा का कपड़ा ही धो रहे थे, तब तक सूचना आ गया कि धान रोपने जाना है, और अभी 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे मेरी दादी मेरी धान उपार रही है। तो दोस्तों पानी में जा तो रहे हैं, लेकिन अगर मेरा फ़ोन गिर गया, इतना ख़तरनाक रास्ता है, इस पर हम फ़ोन लेकर जा रहे हैं, इस पर अक्सर सभी लोग गिरते हैं, तो हम इतना रिस्क में फ़ोन लेकर जा रहे हैं। देखिए इधर, मम्मी तो देखकर कहेंगी, मतलब तो बहुत डांटेंगी। एकदम खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं, मम्मी भाभी रोप रही हैं इधर, उधर भी रोपाई हो रहा है। मम्मी सुनाने लगी, अब हम भी रोपेंगे। यहाँ पे मम्मी और भाभी रोप रही हैं धान। प्रियांशी फेंक रही है हर जगह, तो इधर बगल में भी रोपाई हो रहा है। धीरे से मेरे पास, एकदम धीरे से आओ, मलाई तुम खाओ। तो कैसा लग रहा है प्रियांशी? बहुत बढ़िया। ये उनके पनिया में से मत जाओ पागल। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी बरसने लगा है, अब मम्मी मेरी रोप रही हैं, हम भी चलते हैं रोपवाने। तो हम लोग जा रहे हैं घर, अब जाएंगे नहाएंगे, जल्दी से खाना बनाएंगे। क्या टाइम हो रहा है पता है आपको? आपको क्या बताएं, मतलब 7 बज गया। टाइम क्या हो रहा है? 6:49 हो रहा है, मतलब 7 बजने वाला है। जाएंगे नहाने में आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद सब्जी बनाना है, नेनुआ का सब्जी बनाना है, उसको होने में भी बड़ा टाइम लगता है। खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इधर भी धान रोपा गया है, ये मेरा चरी का खेत है, ये मेरा फूल था खत्म हो गया है, मतलब फूल है, फूल का पेड़ खत्म हो गया है, मतलब फूल थोड़ा सा है और आधा पेड़ सूख गया है और आधा पेड़ बचा है। ऐसा करो कि अब उतर कर तुम ढकेलो। मैं तो ढकेली रही हूँ, मुझे सगड़े चलता ही कहाँ है।
ठीक है। मौसम एकदम मस्त मस्त है, पापा से चल नहीं रहा है, अब हमको ढकेलना पड़ेगा। क्या चीज सुंदर लग रहा है? हाउ जो ऐसे नेनुआ का ऐसे बढ़िया का बना है। अच्छा वो नेनुआ का जो बना है ना, इसमें तो दिखाई भी नहीं देगा। अरे ये चीज हम लोग आ रहे हैं वहाँ से कैसे बताएं कहाँ। वो जो एक औरत नीली कलर का साड़ी पहन एकदम 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 हाँ वहाँ पे अरे इसको बैठा लो और तुम ढके तो आ गए हैं नेनुआ खेत के पास। नेनुआ सर जी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसको, कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं यहाँ पे आंटी स्पंज गॉड है ये। तो हम इसको जा रहे हैं पटाखे तोड़ने। ये रिकॉर्डिंग करने में तो बड़ा देरी हो जाएगा। ये इसमें से तोड़ेंगे, ये दिखा है इसमें रखेंगे। यही इतनी सी सब्जी निकला है, इसको बनाएंगे। तो हम चलते पास नहाने। तो दोस्तों अभी जस्ट नहा कर आए हैं और तुरंत जा रहे हैं खाना बनाने। तो अभी हम खाना वाना खा कर छत पर हैं और छत पे बहुत अच्छा हवा चल रहा है। छत पे क्या मतलब, हवा बहुत अच्छा चल रहा है, छत पे अच्छे से लग रहा है। तो आज का दिन ऐसा ही कुछ रहा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब ये ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर। तो है कि तो हम लोग जा रहे हैं।